स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों आप ये पेपर देख रहे हैं, ये कोई आम पेपर नहीं है, ये है स्टैम्प पेपर। अगर भारत की अर्थव्यवस्था कुबेर का खजाना है तो स्टैम्प पेपर उसकी चाबी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टैम्प पेपर एक तरीके का गवर्नमेंट पेपर है, जिसमें एक स्पेशल वैल्यू का रेवेन्यू स्टैम्प प्रिंट होता है, जिसका रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन इसी स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल करके भारत की अर्थव्यवस्था को हिला दिया गया। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे कोई स्टैम्प पेपर से भारत की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। 1992 में जहां हर्षद मेहता घोटाले ने स्टॉक मार्केट और भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था, वहीं स्कैम हर्षद मेहता के 5000 करोड़ रुपए के घोटाले से 6 गुना बड़ा था। दोस्तों इतना बड़ा कि उस जमाने में कैलकुलेटर में भी जीरो का हिसाब नहीं लग पा रहा था। इस खेल में खाकी से लेकर खादी तक सब शामिल थे। इस स्कैम ने न सिर्फ जांच एजेंसियों की नींदें उड़ा दी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को 30,000 करोड़ रुपए का झटका दिया। देखा जाए तो जालसाजी के इस खेल से वाकिफ तो सब थे, लेकिन ये खेल खेला कैसे जा रहा है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मशहूर तेलगी घोटाले की। अब्दुल करीम तेलगी इस स्कैम का मास्टरमाइंड था, जिसने नकली स्टैम्प पेपर छाप कर बेहिसाब दौलत कमाई। लेकिन कौन था ये अब्दुल करीम तेलगी, उसने कैसे इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया, इसमें कौन कौन उसके साथ मिला हुआ था, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कैसे इस स्कैम का पर्दाफाश हुआ। दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी पूरे घोटाले के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस टॉपिक और जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू, अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। तीन भाई बहनों में दूसरे नंबर के अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटका के एक छोटे से पंचायत शहर खानपुर में हुआ, जो कि महाराष्ट्र बॉर्डर पर ही है। तेलगी की मां का नाम शरीफ बी लाड साहब तेलगी था, और उसके पिता का नाम लाड साहब तेलगी था, जो कि इंडियन रेलवे में काम करते थे। देखा जाए तो तेलगी का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। दरअसल तेलगी अभी स्कूल में ही था, तभी अचानक पिता की मौत ने उससे उसका बचपन छीन लिया। इसके बाद तो मानो तेलगी पर दुखों का पहाड़ टूट गया, घर के हालात बिगड़ने लगे। तब उसने खानापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में फल और मूंगफली बेचकर अपना जीवन बसर किया। हालांकि इस बीच उसने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। बचपन से तेलगी पढ़ाई के प्रति काफी इंटरेस्टेड था। आर्थिक स्थिति खराब होने के दौरान भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इस कमाई से वो अपने स्कूल की फीस भी भरता था। तेलगी ने अपनी स्कूलिंग लोकल सर्वोदय विद्यालय से पूरी की थी। इसके बाद बीकॉम की डिग्री हासिल करने के लिए वो बेलगाम गया, और बेलगाम्स गोगेट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की। लेकिन उसके बाद भी उसकी जिंदगी पटरी पर नहीं आई। वो जिंदगी जीना नहीं चाहता था, बल्कि जिंदगी में शोहरत और पैसा कमाना उसका लक्ष्य था। उसने कभी भी ज्यादा पैसे कमाने के अपने एम को नहीं छोड़ा। 70 के दशक में तेल की तेजी के दौरान भारत से हजारों अनस्किल्ड लेबर गल्फ कंट्रीज में माइग्रेट कर रहे थे। तेलगी भी उनमें से एक था। तेलगी ने वहां 7 साल गुजारे, लेकिन तेलगी उस काम से कभी खुश नहीं था, इसलिए वो जल्दी 70 के दशक के अंत में इंडिया वापस आ गया। दोस्तों सऊदी से लौटते तेलगी के दिमाग में किस्मत को चमकाने के विचार बिजली की तरह कौंधने लगे। अपने सपनों को पूरा करने की चाह में वो सपनों की नगरी मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई में तेलगी एमएक्सफ्लिक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में 3800 रुपीज महीने की सैलरी पर सेल एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने लगता है, लेकिन मंथली टारगेट को पूरा न करने के चलते तेलगी को निकाल दिया जाता है। इसके बाद तेलगी किसान गेस्ट हाउस नाम के एक होटल में मैनेजर की जॉब करने लगता है। यहीं पर तेलगी की मुलाकात गेस्ट हाउस के मालिक की साली साहिदा बेगम से हुई। ये मुलाकात कुछ समय बाद 19 अप्रैल 1987 में शादी में तब्दील हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच तेलगी का सपना अभी भी वही था। उस समय तक उसकी कमाई का ये कानूनी तरीका उसके पसंद के हिसाब से बहुत धीमा था। उसे अभी भी जल्द से जल्द अमीर और दौलतमंद होने की चाहत थी। देखा जाए तो इस दौरान देश में रोजगार की मारामारी थी, जिसकी वजह से मोस्टली अनएडुकेटेड और अनस्किल्ड लेबर भारत छोड़कर गल्फ कंट्रीज की ओर तेजी से माइग्रेट कर रहे थे, जहां चीप लेबर की डिमांड हाई थी। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। आपकी तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए P2I का एक न्यू फाउंडेशन बैच, जहां सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे 3 अलग अलग पैकेजेस हर उस एस्पिरेंट की तैयारी के लिए डिजाइन किए गए हैं जो यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जैसे भी आप 12th में हैं, या आपके घर में कोई एस्पिरेंट है जो यूपीएससी की तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए 42 मंथ्स का प्लैटिनम पैकेज। आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए 30 मंथ्स का गोल्ड पैकेज। या फिर आप लगातार एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम के चैलेंज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 18 मंथ्स के सिल्वर पैक को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको तीनों ही पैकेजेस में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी बेसिक से एडवांस तक कराई जाएगी। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, वीकली रिवीजन टेस्ट, क्रैश कोर्स,
और नोट्स एंड बुक, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी पैकेज को परचेज करते वक्त ANLIVE कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तीनों पैकेजेस के साथ ही साथ स्टडी IQ के बाकी के कोर्सेज पे भी 60% तक का भारी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या Study IQ की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, तेलगी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। वो गल्फ कंट्रीज में मैनपावर सप्लाई करने के लिए अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम से अपनी कंपनी खोलता है। अपने सपने को पूरा करने की चाहत में यहां से उसने गैर कानूनी काम करना शुरू किया। वो गल्फ कंट्रीज में काम की तलाश कर रहे अनएडुकेटेड और अनस्किल्ड लेबर्स को फेक इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स बेचने लगा। हालांकि तेलगी का यह फर्जीवाड़ा कुछ समय तक ही रहा और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मुंबई पुलिस ने जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में उसे 1991 में गिरफ्तार कर लिया और 3 सालों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन जेल जाना तेलगी की लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यहां उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने तेलगी की किस्मत ही बदल दी। दरअसल कस्टडी के दौरान उसकी मुलाकात रामरतन सोनी से हुई। ये एक सरकारी स्टैम्प वेंडर था जो फर्जी स्टैम्प बनाने के आरोप में सजा काट रहा था। ये कोलकाता से ताल्लुक रखता था और वहीं से काम संभालता था। इन दोनों ने जेल के अंदर ही बड़े स्कैम की साजिश रच ली। ये सोनी ही था जिसने तेलगी को स्टैम्प पेपर की दुनिया से रूबरू कराया और उस बड़े घोटाले का बीज बोया जिसने भारत को करोड़ों की चपत लगाई। आइए जानते हैं कि तेलगी ने इस स्कैम को कैसे अंजाम दिया और उसके साथ इसमें कौन कौन मिला हुआ था। 1994 में तेलगी और सोनी दोनों ही जेल से रिहा हो गए और दोनों ने तुरंत इस घोटाले को अंजाम देना शुरू कर दिया। देखा जाए तो इस स्कैम को अंजाम देने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ साथ अंडरवर्ल्ड के सोनी कनेक्शन का इस्तेमाल किया गया। तेलगी इस कारोबार में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब्दुल करीम तेलगी ने अपने कनेक्शन के बलबूते बिजनेस लाइसेंस हासिल किया और एक लीगल स्टैम्प वेंडर बन गया। दोस्तों, तेलगी और सोनी ने मिलकर कई जाली स्टैम्प पेपर्स तैयार किए। जालसाजी का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा और तेलगी ने फर्जी स्टैम्प से पैसा कमाना शुरू कर दिया। दोस्तों, फिर 1995 में तेलगी ने सोनी का साथ छोड़ अपने दम पर काम करना शुरू किया। इसी दौरान जून 1995 में मुंबई पुलिस ने तेलगी के स्टैम्प पेपर पकड़े। पुलिस को शक था कि ये नकली स्टैम्प पेपर है। इनके वेरिफिकेशन और टेस्टिंग के लिए इन्हें नासिक में मौजूद इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के पास भेजा गया। हैरानी की बात यह थी कि सभी 331 स्टैम्प पेपर्स जेन्युइन निकले। हालांकि गवर्नमेंट स्टैम्प ऑफिस के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पेपर बेचे नहीं है। फिर बाद में मामला शांत हो गया और पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन छोड़ दी, लेकिन तेलगी का लाइसेंस जरूर रद्द हो गया। लेकिन तेलगी अब इतना माहिर हो चुका था कि उसे मालूम था कि जाली स्टैम्प से पैसा कैसे कमाना है। 1996 में तेलगी ने पावरफुल लोगों को हायर किया और मिंट रोड पर अपनी प्रेस खोली। लेकिन उसे स्टैम्प पेपर प्रिंट करने के लिए इंटेल की स्पेशल प्रिंटिंग मशीन की जरूरत थी। इसके लिए उसने सबसे पहले नासिक के गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस से उन मशीनों को खरीदा जिनके शेल्फ लाइफ खत्म हो गई थी। देखा जाए तो शेल्फ लाइफ के बाद सर्विस से बाहर हुई मशीनों को डिस्ट्रॉय कर देना था, लेकिन तेलगी ने अपने कनेक्शन का यूज कर उन मशीनों को खरीद लिया। इसके बाद उसने गवर्नमेंट प्रेस से प्रिंट होने वाले स्टैम्प पेपर्स के पूरे प्रोसेस और प्लान को भी स्टडी किया जिससे वो इसे मिमिक कर सके। दोस्तों, फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाले के मास्टरमाइंड तेलगी ने दो स्टेप्स में स्कैम को अंजाम दिया। सबसे पहले तो उसने देश में स्टैम्प पेपर की कमी पैदा की और फिर इस मौके का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपए के अपने नकली कागजात बेच दिए। दोस्तों, इंक्वायरी से पता चला कि तेलगी ने स्टैम्प पेपर की कमी पैदा करने के लिए नासिक में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के कुछ ऑफिसर्स से हाथ मिलाया जिसका इस्तेमाल उसने पूरे देश में अपने रैकेट को बढ़ाने के लिए किया। धीरे धीरे इनका बिजनेस बाकी के शहरों में भी फैलने लगा। 90 के दशक में अब्दुल करीम तेलगी का बिजनेस करोड़ों रुपए का हो गया, लेकिन उसकी ऐशो आराम की जिंदगी ज्यादा दिन नहीं रही और जल्द ही उसके इस स्कैम से पर्दा उठ गया। आइए अब जानते हैं कि उसका स्कैम कैसे एक्सपोज्ड हुआ था। दोस्तों, 2000 में कर्नाटका पुलिस ने नकली स्टैम्प बेचते हुए तेलगी के दो लोग पकड़े, जिसके बाद दोनों को ही बेंगलुरु जेल में भेज दिया गया। देखा जाए तो इन दो लोगों की बदौलत ही पूरा स्कैम सामने आ गया। फिर आगे पुलिस ने SIT का गठन किया। जांच दल ने पाया कि कर्नाटका ने 1 साल से सरकारी प्रेस से स्टैम्प पेपर नहीं लिए हैं और इसकी वजह यह थी कि बड़े पैमाने पर फर्जी स्टैम्प पेपर उपलब्ध थे। फिर इसके बाद केस को CBI को सौंप दिया गया। साल 2001 में अजमेर में अब्दुल करीम तेलगी को पुलिस कस्टडी में लिया गया। पूछताछ के दौरान तो तेलगी ने बहुत कम जानकारियां दी, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसका नार्को टेस्ट भी कराया जिसमें उसने महाराष्ट्र के कई बड़े नेताओं के नाम लिए। आगे की जांच में पता चला कि इस स्कैम में पॉलिटिशियंस के अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर्स और कई इन्फ्लुएंशियल लीडर्स भी शामिल थे। साथ ही जांच में यह भी पता चला कि तेलगी का यह रैकेट 18 राज्यों में फैला हुआ था। इसकी बागडोर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से संभाली जाती थी, लेकिन यह दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। जांच में जहां फर्जी स्टैम्प पेपर रखे जाते थे उन जगहों के नाम भी सामने आए। दोस्तों, तेलगी के 176 ऑफिसेस थे जिन्हें चलाने की जिम्मेदारी बेरोजगार युवाओं को दी गई। फर्जी स्टैम्प पेपर मार्केट और कंपनी में बेचने के लिए उसने MBA किए हुए लोगों को हायर किया था। तेलगी की 600 लोगों की टीम ने देशभर में अलग अलग तरह के स्टैम्प पेपर बेचे। इनमें स्टैम्प पेपर, जुडिशियल कोर्ट फी स्टैम्प, नॉन जुडिशियल स्टैम्प,
और रेवेन्यू स्टैम्प शामिल थे। ये लोग तमाम बैंकिंग कंपनियों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट कंपनियों में जाकर वहाँ के स्टाफ को बड़े कमीशन का लालच देते, जिसके बाद करोड़ों रुपए के स्टैम्प पेपर उन कंपनियों में सप्लाई कर दिए जाते थे। रिपोर्ट में कहा गया कि इन स्टैम्प पेपर्स को गलत तरीके से प्रॉपर्टी रजिस्टर करने तक के लिए इस्तेमाल किया गया, फेक इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। इस बीच अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता था तो वो उस व्यक्ति के ऊपर या नीचे बैठे शख्स को रिश्वत देकर अपना काम करा लेते थे। दोस्तों, तेलगी ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इस कदर यूजलेस बना दिया था कि देश के किसी भी हिस्से के पुलिस दस्ते ने उसके घर पर छापे की कार्रवाई नहीं की। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अधिकारियों ने तेलगी के घर की तलाशी ली और उन्हें तेलगी के मेडिकल सर्टिफिकेट समेत कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले। इसके साथ ही पाया गया कि अब्दुल करीम तेलगी की देश भर में 36 प्रॉपर्टीज हैं और 100 से भी ज्यादा बैंक खाते हैं जो कि 18 देशों में खोले गए हैं। साथ ही 9 जनवरी 2003 को जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों की टीम ने तेलगी के कोलाबा फ्लैट का दौरा किया तो वो दंग रह गए। तेलगी जो उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में था, वो फ्लैट में बैठा शानदार भोजन कर रहा था और 3 पुलिस एस्कॉर्ट पास ही सो रहे थे और 2 पुलिस इंस्पेक्टर जिन्हें उस पर नजर रखनी थी वो गैर हाजिर थे। आखिरकार साल 2006 में तेलगी को फर्जी स्टैम्प घोटाले का दोषी ठहराया गया, उसे 30 साल की सजा सुनाई गई और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में 83 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई। इनमें अधिकतर वो लोग शामिल थे जिनको तेलगी ने फर्जी स्टैम्प बेचने के लिए हायर किया था। तेलगी अब जेल में था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जेल से अपना कारोबार चला रहा था। मीडिया रिपोर्ट में सामने आया कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने तेलगी को मोबाइल मुहैया कराए थे जिसका इस्तेमाल वो अपना कारोबार चलाने के लिए कर रहा था। ये बात जब तक जेल अधिकारियों को पता चली और नंबर को सर्विलेंस पर रखा गया तब तक तेलगी ने अपना सिम ही बदल दिया। दोस्तों, कस्टडी के दौरान ही साल 2017 में अब्दुल करीम तेलगी का मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ। पुलिस उसे बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी डेथ के बाद सभी आरोपों को वापस ले लिया गया और बाकी लोगों को भी रिहा कर दिया गया। दोस्तों, ये था वो तेलगी स्कैम जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया। ये स्कैम गवर्नेंस सिस्टम में मौजूद करप्शन को दिखाता है, साथ ही तेलगी के काम करने का सीधा तरीका धनबल, बाहुबल और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर सिस्टम में दाखिल होने पर बेस्ड था। देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े फर्जी स्टैम्प पेपर रैकेट के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी ने देश की शासन प्रणाली का मजाक बना दिया था। हालांकि यहाँ हैरानी तो इस बात की है कि इस मामले में कई बड़े लोग बचकर निकल गए। दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है हमें इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।